अगर आप केक बेक करने से हिचकिचाते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नो बेक चॉकलेट बिस्किट केक की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है और घर के कुछ बेसिक सामान के साथ ये बन जाता है बिल्कुल फटाफट से। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और परफेक्ट रेसिपी है किसी भी ओकेजन के लिए। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 2 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट्स। ये मैंने 2 पैकेट न्यूट्री चॉइस का हाई फाइबर बिस्किट लिया है, जिसमें ना चीनी है ना मैदा है। आप कोई भी मार्केट से डाइजेस्टिव बिस्किट्स ला सकते हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव बिस्किट नहीं मिल रहा है तो आप ये रेसिपी मैरी बिस्किट के साथ भी बना सकते हैं। बिस्किट को अब हम छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, तो इस तरीके से इसको रफली आप तोड़ दें। इस रेसिपी में डाइजेस्टिव बिस्किट सबसे अच्छा लगता है। हमारा बिस्किट बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैंने लिया है कुछ रोस्ट किए हुए बादाम। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था पैन में और इन बादाम को अब हम रफली चॉप कर लेंगे। तो बादाम को आप रोस्ट करके ही डालें, इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और इसमें एक अच्छा क्रंच भी आता है। आप चाहें तो यहाँ पर वॉलनट और कैशनट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बादाम हमारा रफली चॉप हो चुका है। अब हम बिस्किट में बादाम का जो आधा क्वांटिटी है वो डाल देंगे और आधा क्वांटिटी को हम रिज़र्व कर लेंगे बाद में यूज़ करने के लिए। तो ये मैंने डाल दिया है आधा बादाम का क्वांटिटी जो था, और इसको हम रख लेंगे बाद में यूज़ करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लें और अब हम बनाएंगे अपना चॉकलेट का लिक्विड। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है कोको पाउडर, जो कि अनस्वीटेंड है। ब्राउन शुगर लिया है मैंने, जिसके जगह पे आप वाइट शुगर ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर आपके पास ये ना हो तो आप वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं यूज़ कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इस टाइम पर आप गैस को अपना ऑन कर लें। तो अब गैस को ऑन करके इसको हमें पकाना है और इसको अच्छे से विस्क करना है, जिससे कि इसकी जितनी भी गुठलियाँ हैं वो निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के लगभग दूध। दूध डालने से इस चॉकलेट के लिक्विड में एक अच्छा रिचनेस आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्टी फ्लेवर भी आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें दूध के जगह पे सिर्फ पानी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पानी के जगह सिर्फ दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस दूध को हम पकाएंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि ये सिरप की तरह नहीं दिखने लग जाता और गाढ़ा नहीं हो जाता। तो करीब 8 से 10 मिनट के बाद जो हमारा लिक्विड है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का कंसिस्टेंसी में दिखेगा आपको। फ्लेम को अब हम ऑफ़ कर देंगे और इस जो लिक्विड हमने बनाया है इसको हम अपने चॉकलेट बिस्किट और आलमंड के ऊपर पोर कर देंगे। तो इसको तुरंत में पोर करना है, जिससे कि जो बिस्किट्स है वो लिक्विड को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए, जो बिस्किट है उसने लिक्विड को अब्सॉर्ब कर लिया है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी ये। अब हम एक केक टिन लेंगे और उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसको नॉर्मली घी या बटर से ग्रीस कर सकते हैं। और अब हम अपने बनाए हुए मिक्सचर को इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग फोम टिन लिया है। अगर आपके पास ये वाला टिन ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल बर्तन में इस केक को जमा सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्लैटन कर देंगे और प्रेस करके नीचे की तरफ इसको लेवल कर देंगे। तो हमारा केक का जो बेस है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमें फ्रिज में रखना है करीब आधे घंटे से 1 घंटे के लिए, या फिर जब तक कि ये सेट नहीं हो जाता। तो इसको ऊपर से बिल्कुल इवन आउट कर दीजिए और इसको फ्रिज में रख के ठंडा होके सेट होने दीजिए। जब तक हम अपना चॉकलेट गनाश बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है, उसमें पानी डाल के गर्म कर लिया है और ऊपर हम रखेंगे एक बोल। अब इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट, जो कि मैंने चॉप कर लिया था। आप यहाँ पर कोई भी चॉकलेट को चॉप करके डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, अमूल का मैं यूज़ कर रही हूँ लो फैट क्रीम। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मेल्ट करना है। तो ये मैंने डबल बॉयलर क्रिएट किया है। आप यहाँ पे माइक्रोवेव में भी चॉकलेट और क्रीम को मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास माइक्रोवेव नहीं होता उनको ये वाला मेथड सबसे कन्वीनियंट लगता है। तो मैं आपको ये मेथड दिखा रही हूँ। और ये देखिए, बहुत ही जल्दी हमारा जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो गया।
इसमें हल्का सा क्रीम और डाल देंगे जिससे कि ये बिल्कुल लिक्विड सा बन जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा चॉकलेट गनाश बनके बिल्कुल रेडी है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप उस केक में डायरेक्टली चॉकलेट को शेव या चॉप करके सजा सकते हैं। हमारा केक अभी अच्छे से सेट हो गया है और इसके ऊपर हम अपने बनाए हुए गनाश को पोर कर देंगे। इस गनाश को डालने से इस केक में बहुत अच्छा रिचनेस आएगा और टेस्ट भी आएगा, तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ये गनाश ज़रूर बना के डालें। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें सिर्फ मेल्टेड चॉकलेट या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट के साथ गार्निश कर सकते हैं। इस गनाश को डालने के बाद हम इसके साइड्स में इसको अच्छे से टैप कर देंगे जिससे कि ये लेवल हो जाए। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से इसको लेवल कर दिया है अच्छे से। और अब जो हमारा बचा हुआ बादाम था उसको मैंने और छोटे टुकड़ों में काट दिया है और अब बादाम को हम साइड्स में डेकोरेट कर देंगे इस तरीके से। तो ये डेकोरेशन बिल्कुल आपके ऊपर है, आप कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं अपना केक को। मुझे ये वाला मेथड सबसे अच्छा लगता है। अब इस केक को हम फ्रिज में रख के 1 घंटा सेट होने देंगे अच्छे से, जिससे कि गनाश केक सब एक साथ सेट हो जाए अच्छे से। तो अगर आप इसको ज़्यादा देर तक सेट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन 1 घंटे में सेट अच्छे से हो जाता है। तो इस केक को अब हम फ्रिज में रख देंगे और 1 घंटे तक सेट होने देंगे। हमारा केक अब बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको अब हम केयरफुली अनमोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये वाला टिन लिया है जिससे कि केक निकालना बहुत आसान हो जाता है। और ये देखिए हमारा केक कितना परफेक्ट बना है, इसका जो लेयर है बहुत अच्छे से सेट भी हो गया है और ये बिल्कुल देख के नहीं लग रहा कि इसमें हमने कुछ भी बेकिंग नहीं किया है, डायरेक्टली हमने इसको पैन में बनाया है। इस केक को मैं आपको काट के दिखाती हूँ और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कट भी हो रहा है। तो किसी भी ओकेजन में या जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे या फिर अगर आपको बेक नहीं करना आता हो तो आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही फटाफट बन जाता है, खाने में बहुत अमेजिंग होता है और बहुत ही अलग रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आप ऐसे और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक में भी फॉलो कीजिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।